हेलो दोस्तों, और स्वागत है मेरे चैनल में फिर से आपका। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रेड का साइड का जो टुकड़ा होता है, जो हम सैंडविचेस बनाते हैं या कोई दूसरी डिशेस बनाते हैं और उसे साइड से निकाल देते हैं, उस साइड्स को हम कैसे यूज़ करें। तो यहाँ मैंने ब्रेड्स के साइड्स को रखा हुआ है। मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया था, इसलिए ये ब्राउन ब्रेड का साइड का पोर्शन है। अगर आप वाइट ब्रेड यूज़ करें तो उसका भी आप पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी के साथ। मैं इस रेसिपी के लिए मैंने ब्रेड के साइड के पोर्शन को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब हम इसे पीसकर एक पाउडर का फॉर्म दे देंगे। पीसते वक्त आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ मैंने इसे ड्राई पीस लिया है, और आप देख सकते हैं एक बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया है। एक बाउल में हमने डाला है हाफ कप चीनी, उसमें हम डालेंगे हाफ कप सनफ्लावर ऑयल, 1/4 कप कर्ड यानी दही का प्रयोग करेंगे हम। और इन सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि दही बहुत ही अच्छे से सनफ्लावर ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैंने 1.5 कप ब्रेड क्रम्स का प्रयोग किया है। इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, 1/2 स्पून हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग पाउडर। इन्हें हम छलनी से छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे, और अच्छे से मिलाकर इसे रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप दूध, जिसे हम धीरे धीरे करके डालेंगे। एक बार में आपको सारा मिल्क नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसे मैंने 2 हिस्सों में डाला है। तो इसे हम मिलाकर अपना बैटर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर अब बिल्कुल तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई को हम ओवन बनाकर प्री हीट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे नमक और एक स्टैंड लिया है और प्लेट से ढक दिया है। इसे करीब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम प्री हीट करके छोड़ देंगे। अब हम बेकिंग टिन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सनफ्लावर ऑयल, और हम उस टिन की ग्रीसिंग कर लेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे बेकिंग पेपर, जिसे हम पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं या बटर पेपर कहते हैं, और उसके बाद बटर पेपर के ऊपर भी हम डालेंगे थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल, और उसे अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे। फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे केक के बैटर को बेकिंग टिन में, और इसे हम डेकोरेट कर देंगे चोको चिप से, जो कि ऑप्शनल है, पर इससे स्वाद अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे चोको चिप स्प्रेड कर दिया है। केक टिन को हम थोड़ा सा टैप कर देते हैं ताकि एयर बबल निकल जाए। यहाँ हमारा कढ़ाई प्री हीट हो चुका है, तो हमने केक टिन को रख दिया है और अच्छे से इसे थाली से कवर कर दिया है। इसे हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक और लो फ्लेम पर 30 मिनट तक बेक करेंगे। करीब 40 मिनट बाद हम एक टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे, अगर वो क्लीन आता है यानी हमारा केक बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम निकाल कर ठंडा होने देंगे। केक हमारा अब ठंडा हो चुका है, तो हम इसे डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम नाइफ से साइड के पोर्शन को केक टिन के साइड वॉल से अलग कर ले रहे हैं। ठंडा होने के बाद ही आप डीमोल्ड करें, वरना आपका केक टूट जाएगा। अगर आपने ग्रीसिंग अच्छे से की होगी पैन की, तो इसे डीमोल्ड करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। पार्चमेंट पेपर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और केक हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने ब्रेड के साइड पोर्शन से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट केक बनाया है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बेक भी हुआ है ये केक। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है ये केक।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन तो टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।